नमस्कार देवी सज्जनों, मैं नितिन कुमार रुड़की हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श नगर में। यहां पर दीपा गौतम चुनावी मैदान में है निर्दलीय तौर पर, और शोभित गौतम जो इनके हस्बैंड हैं वो यहां के आदर्श पुरुष कहे जाते हैं। यहां पर उन्होंने इतने काम कराए हैं, उनके काम के प्रति ही अपने सामने निर्दलीय मैदान में उतरी हैं, और देखने जनता का रुझान कितना देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं। चलिए इनसे कुछ बात कर लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में है। जी, मेरा नाम दीपा गौतम है, मैं वार्ड नंबर 2 और छत का पंखा मेरा चुनाव चिन्ह है। यहाँ के मुद्दे बहुत है, यहाँ जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ नाली की समस्या बहुत ज्यादा है, जल भराव रहता है, कूड़े की गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है गलियों में, ये सब मुद्दे सामने हैं और इन सबको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। दीपा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कैंडिडेट को पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगी? मैंने BA, MA हिस्ट्री, MA एजुकेशन, NTT टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया है और 4-5 साल मैंने टीचिंग की जॉब भी की है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं, जो जो यहाँ पर समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, वो क्या क्या हैं जिनसे लोग त्रस्त हैं? हाँ जी, एक तो नालियाँ भरी रहती हैं, यहाँ नालियाँ साफ नहीं हो रही है, और इसी कारण यहाँ डेंगू ज़्यादा फैला है। अब की बार डेंगू हर घर घर में डेंगू के पेशेंट हैं, ये समस्या यहाँ सबसे ज्यादा आ रही है। आपके पति देव जी ने यहाँ पर बहुत कार्य किए हैं धरातल पर, उनकी जमीनी स्तर पर उन्होंने यहाँ पर कार्य किए हैं, क्या उनका भी कोई फायदा या देखने को मिलेगा आपको? ये सारी जनता आपके साथ है, ये क्यों है? देखिए, मेरे पति शोभित गौतम ने बहुत काम किया है यहाँ के लिए, और इसलिए उन्हें टिकट भी नहीं मिला। आप ये देखिए, 25 साल हो गए उन्हें BJP में कार्य करते हुए, उन्हें आज एक छत का पंखा मिला है, और बस मैं अब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी, उनके हर निर्णय में मैं साथ दूंगी, और मैं पार्षद पद जीत के ही रहूंगी। चलिए, मैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे भी सवाल ले लेता हूँ। वो बिना करे ही इतना कार्य यहाँ पे करते हैं, गली में कोई भी छोटा बड़ा काम हो सारा बहुत अच्छा काम करते हैं, और उन्हें जो है उन्हें अपना फूल का चिन्ह नहीं मिला, हमें बहुत ज्यादा दुख है अंदर से। तो इसीलिए चुनावी मैदान में उतरकर अपनी समस्याएं जो रखी जाती हैं उन्हें आगे लेकर जाना है। आपका क्या मानना है? बच्चे, मेरा मानना है शोभित चाचू बहुत अच्छे हैं, उनसे जो उन्हें जो भी कार्य करते हैं वो जरूर करते हैं, तो इस बार पार्षद मेरी चाची को ही बनना चाहिए। इसी बात पे आपका क्या मानना है मैम? आप क्यों हैं साथ में? हम भी इसीलिए साथ हैं क्योंकि शोभित भैया जो है निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, और इसीलिए उन्हें इस तरह से मिला कि फूल का चीज नहीं मिला, तो अब हम इसलिए उनके साथ हैं। आपका क्या मानना है, आप भी बता दीजिए। मेरा मानना यह है कि दीपा गौतम से जो जो यहाँ की समस्याएं हैं वो सब सुधरेंगी, हमें पूरी उम्मीद है इनसे, इसीलिए हम इनके साथ हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि दीपा गौतम एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके पतिदेव जो यहाँ से बहुत कार्य किए हैं, उन्होंने समाज सेवा की है, बड़े बुजुर्गों की सेवा की है, चुनाव मैदान में उन्हें इसका फायदा भी मिलेगा, और लोग सब साथ भी हैं उनके। नितिन कुमार रुड़की हब से।